प्रतिबंधित पशुओं के वध का सिलसिला थमने का नहीं ले रहा नाम। बुधवार को बड्डूपुर थाना क्षेत्र के एक बाग में प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष मिलने से ग्रामीण में आक्रोश पनप गया। ग्रामीणों ने हंगामा काटना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची बड्डूपुर पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर ग्रामीणों को शांति कराया। इसके बाद ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने पशु के अवशेषों को जमीन में दफन कर दिया। दो दिन पहले घूंघटेर के पिड़सावा में प्रतिबंधित पशुओं के वध का मामला प्रकाश में आया था। इसके बाद भी जिम्मेदार बड्डूपुर पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसका नतीजा ये निकला कि बुधवार को बड्डूपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कैलाशपुर मजरे सलेमपुर में प्रतिबंधित पशु का वध कर दिया गया। सुबह गांव के लोग जब शौच के लिए मुकुट बिहारी के खेतों की ओर गए तो प्रतिबंधित पशु के अवशेष पड़े देखे। बड्डूपुर थाना अध्यक्ष द्वारा मामले में फोटो कवरेज करने से मना किया गया। पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखने की धमकी भी दी गई। बुधवार के दिन ग्राम कैलाशपुर मजरे सलेमपुर गांव में गौकशी की सूचना मिलते ही पत्रकार मयंक शुक्ला व राजलक्ष्मण रावत को थाना अध्यक्ष द्वारा फोटो कवरेज करने से मना कर दिया गया था। इस पर पत्रकारों ने फोटो कवरेज की कोशिश की, उनके खिलाफ वहां पर खड़े सिपाही से कहा, इन लोगों के खिलाफ एक तहरीर थाने पर दो, मुझको धमका रहे, इन लोगों के खिलाफ एक अभी मुकदमा लिख दो, दिमाग ठंडा हो जाएगा। इस तरह भाजपा सरकार में थाना अध्यक्ष बड्डूपुर द्वारा पत्रकारों की कलम को बंद करने की कोशिश की जा रही। थाना अध्यक्ष द्वारा पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखवाने की धमकी भी देते।